going to continue our Newton's second law of motion, of second law of motion. अब इसमें करना क्या है, इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताने हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के पोस्टुलेट के बेस पे. मान लीजिए आपके पास क्या है, फिक्स अमाउंट ऑफ फोर्स है, फिक्स अमाउंट ऑफ फोर्स है जिसको अप्लाई किया गया है दो बॉडीज के ऊपर. उन दोनों बॉडीज का मास क्या डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन अप्लाई करने की ड्यूरेशन सेम रही है. यानी कि अगर 5 सेकेंड के लिए अप्लाई की, यहाँ पर भी 5 सेकेंड और यहाँ पर भी 5 सेकेंड, तो जो चेंज इन मोमेंटम है, हमने तो अभी तक किया था कि सेम होना, डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि डिफरेंट मासेज है, लेकिन यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम है दोनों केसेस में हमारे पास सेम आ गया. नाउ हाउ इज दैट पॉसिबल? इससे हमें ये पता चलता है, अगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई की जाए सेम टाइम पे, तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो सेम हो सकता है चाहे बॉडीज के मासेस डिफरेंट हो. यानी कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स को अप्लाई किया गया फोर सेम टाइम, ठीक है, तो दोनों में जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो हमारे पास सेम आएगा चाहे उनके मासेस डिफरेंट ही क्यों ना हो. अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं. सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है, अगर हमने इसको मैथमेटिकली देखी, देखो जो चेंज इन मोमेंटम सबका डिफरेंट था उसमें क्या था, मास इसको फेंका उसको फेंका. ये चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जो हमने लीनियर मोमेंटम वाला टॉपिक किया था, मास डिफरेंट है पर उसमें फोर्स की कितनी अमाउंट है वो तो बात ही नहीं की. दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है लेकिन दोनों की वेलोसिटी कॉज करने वाली फोर्स की अमाउंट कितनी है वो तो बात ही नहीं हुई. अगर वो बातें भी होती तो फिर तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम इंक्रीज डिक्रीज ना होता, दोनों के लिए सेम होता. बट अब यहाँ पर अगर हमने बात ही फोर्स से रिलेट की है तो मोमेंटम का देखो सीधे सी बात है फोर्स से ज्यादा ताल्लुक तो है ही नहीं. उसका ताल्लुक किससे है, m into g से. मास चाहिए वेलोसिटी चाहिए, मास नो डाउट चेंज है लेकिन जिसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है ताल्लुक तो मोमेंटम और फोर्स का किया जा रहा है ना. फोर्स जब सेम लगा दी दोनों के ऊपर तो फिर सेम मोमेंटम ही बस, सीधी सी बात है. अब अगर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को ध्यान से देखा जाए मैथमेटिकली तो क्या है, एक स्टेज से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. और ये जो चेंज हमारे पास आ रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई की है, ठीक है. अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है पहले तो वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इस चीज को बात इस चीज की बात करते हैं, ये एक्चुअल में दो स्टेटमेंट आ गई एक स्टेटमेंट, एक तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक के आगे जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई उसी डायरेक्शन में के चेंज आए. ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बनाया गया था एक्चुअल में. सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied force. यानी कि जितनी ज्यादा अमाउंट जैसे बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी उतनी ही ज्यादा अमाउंट में चेंज इन मोमेंटम आएगा हमारे पास. और जो चेंज इन मोमेंटम है, देखो जितनी ज्यादा अमाउंट में हमारे पास फोर्स आएगी उतनी ज्यादा अमाउंट में हमारे पास चेंज मोमेंटम आ रहा है. एक बार इसको देखिए, चेंज मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है. यहाँ पर हमारे पास अपॉन्टी था तो इसके भी नीचे अपॉन्टी आ गया. अब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन. तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज आएगी, ये हमारे पास
इस तरह से फोर्थ मास इंटरेक्सलरेशन होती है, ये चीज सामने आती है। तो जब हमने साइन ऑफ अपोस्टेरिटी को हटा के इक्वालिटी का किया, तो सब जो है हमारे पास वैल्यू आई वो 190, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए, जो कि हम क्लास 9 में करके आए थे। फिर जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, जब चेंज इन मोमेंटम द चेंज इन मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, मान लीजिए अगर बॉडी रेस्ट पे है, एक बॉडी है उसको, वो रेस्ट पे पड़ी है, उसको मोशन में लाने के लिए इस डायरेक्शन उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी गई। ठीक है, जैसे ही वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, अपनी पोजीशन चेंज करेगी, दैट मीन्स उसके अंदर वेलोसिटी आ जाएगी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। फिर जैसे ही हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे, वेलोसिटी भी इंक्रीज करेंगे, फोर्स को डिक्रीज करेंगे, वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी अकॉर्डिंगली, एज जो फोर्स एक्ट कर रही है ना, वो सेम है ऑपोजिट डायरेक्शन में। बस फिर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, अप डाउन हो रही है, तो फिर मोमेंटम भी तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो भी तो अप डाउन होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसकी क्या है, हम मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं, मैथमेटिकल काइंड ऑफ मेजरमेंट देखते हैं। हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजरमेंट ऑफ फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। हाँ जी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, एक बॉडी है, मेरे पास एक बॉडी है, उसके पास है मास m, तो मूव करिए सॉरी, और वो मूव करी है विद वेलोसिटी v, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या है। देखो यहाँ पर मैंने क्या एरो लगाई है, तो कहते हैं वेक्टर फॉर्म में लिया है मैंने वेलोसिटी, वो तो मोमेंटम ही है, क्या है, वेक्टर फॉर्म में लिया है। नाउ डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड की, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी, किसके विद रिस्पेक्ट को करेंगे, टाइम ए, दैट मीन्स डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी, ब्रैकेट में है हमारे पास एम इंटू ए। देखिए एम हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो ये डिफरेंशिएशन में तो आएगी नहीं, सीधी सी बात है, तो ये तो बाहर निकल गई, एम डी वी ओवर डी टी आ गया। अब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो गया हमारे पास, एक्सेलरेशन, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि जब किसी भी बॉडी के अंदर चेंज इन मोमेंटम आता है, उसमें एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, प्रोड्यूस हो जाती है। अब हमने न्यूटन सेकेंड लॉ के डेफिनेशन में क्या किया था, जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब इसकी जो ये वैल्यू थी यहाँ पर हम इसको फिल कर देंगे। ठीक है, तो न्यूटन ने इसके ऊपर तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उसने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के क्या किया था, के एम ए कर दिया था, और उसने बाद में बताया जो के होता है 1 के इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो एफ होता है के एम, सॉरी, हमारे पास एफ जो होता है एम इंटू ए के बराबर होता है। देखो सीधी सी बात है, के वन कैसे आया मैं बताती हूँ, मेरे पास मास था 1 यूनिट, मैंने उसके ऊपर क्या 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, मास मेरे पास मान लीजिए 1 किलोग्राम था, उसके ऊपर मैंने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सारी वैल्यूज फिल कर दो, 1 इंटू 1 और के इंटू 1 इंटू 1, तो के मेरे पास इस तरह से 1 आ गया, सिंपल इज इट।
और इस तरह से मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई एम इंटू। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, याद रखना। अब फोर्स अपने आप में स्केलर क्वांटिटी के वेक्टर, ऑब्वियसली ये क्या है, वेक्टर है क्योंकि ये किसी ना किसी जिस भी डायरेक्शन में अप्लाई होती है ऑब्वियसली वो डायरेक्शन के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है। फोर्स का हमारे पास एसआई यूनिट है न्यूटन, 1 न्यूटन हमारे पास कितने 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो यहाँ से अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, हमारे पास किलोग्राम यानी कि मास आ गया, मीटर यानी कि लेंथ आ गई, सेकंड स्क्वायर मीन्स टाइम आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट को फोर्स, एक तो ये हो गया, ये एसआई यूनिट हो गया। ठीक है, एक होता है सीजीएस में। सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है डाइन, DYNE, डाइन। वो जो डाइन है बस इसको सीजीएस सिस्टम में कर दो, 1 डाइन मेरे पास आ जाएगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस सीजीएस में हमारे पास ये होता है। अब फोर्स हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया था कई तरह की होती है। एक हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मैं उसका यूनिट निकालने की कोशिश करूँ, जो ग्रेविटेशनल यूनिट निकालने की कोशिश करूँ, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स वो कैसे होगा, उसमें एक्सेलरेशन आएगी एन जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास। तो एसआई यूनिट में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या आएगा, 1 किलोग्राम वेट, जो कि हमारे पास क्या है, 1 किलोग्राम फोर्स के इक्वल होता है, यानी कि धरती जो है इसके ऊपर मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा रही है, जिस कारण इस बॉडी के अंदर क्या वेट प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये वेट क्या है, धरती के नीचे की तरफ खींचता जा रहा है, यानी कि वाट सेंटर के इसके ऊपर फोर्स लग रही है, और वो किसके इक्वल होते हैं, 9.8 न्यूटन, तीसरी जगह पे 10 न्यूटन। सीधे सी बात है। तो सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में बस सेम ही होगा, और क्या होगा, किलोग्राम की जगह पे ग्राम हो जाएगा, 1 ग्राम फोर्स। अब यहाँ पर ये न्यूटन था, यहाँ पर तो ये न्यूटन था, यहाँ पर ये 980 डाइन आ गया। समझ में आई, 980 डाइन। तो डाइन और न्यूटन में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन डाइन एंड न्यूटन, जो हमने सीधे ही कह दिया कि अगर यहाँ पर इतना न्यूटन है, 9.8 है, तो ये 980 डाइन है। दैट मीन्स देयर इज सम रिलेशन। अब मैं कहूँ अगर 1 न्यूटन मेरे पास 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है, 1 तो आ गया, इधर लगा चाहे इधर लगा चाहे दोनों साइड लगा, 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेकंड पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, हमारे पास 1 डाइन का फॉर्मूला क्या था, 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 1 किलोग्राम का, सॉरी 1 न्यूटन का ये था। हमारे पास ये चीज क्या आ गई यहाँ पर, डाइन। तो 10, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास इतने डाइन इक्वल आ गया। इधर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। अब ये जो एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स है, ये पूरे यूनिवर्स में क्या है, सेम रहेंगे कि भाई ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स के, यानी कि जो फोर्स का हमारे पास यूनिट है वो न्यूटन है, न्यूटन हमेशा हर जगह पे, चाहे यूनिवर्स किसी भी कोने में चले जाओ, 1 न्यूटन हमेशा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होगा, 1 डाइन हमेशा 1 ग्राम मीटर पर सेकेंड, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होगा, सिवाय ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स की, क्योंकि ये प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है,
वो टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ कितना जोर लगा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए। ठीक है, अब जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, इसकी हमने मेजरमेंट तो कर ली वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में इसको एक बार अगर ले लिया तो फिर वेक्टर में, जब हमने वेक्टर वाला चैप्टर किया था बेटा, तो आई कैप जे कैप टी कैप किया था, यानी कि उनके कॉम्पोनेंट्स किए थे। तो भाई अगर वेक्टर में इसको सिंपल वेक्टर में कर लिया, इसकी कंपोनेंट फॉर्म में भी हमें करना पड़ेगा। तो इसके अब हम क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कंपोनेंट फॉर्म में पढ़ेंगे। अब बेटा जी कंपोनेंट फॉर्म में क्या होता है, इसमें हम लेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, फोर्स के क्या आएंगे, एफ एक्स आई कैप, फिर वाई डायरेक्शन में एफ वाई जे कैप, फिर जेड डायरेक्शन में एफ जी के कैप, यही था ना, एक्स सॉरी वाई, और यहाँ पर ये हमारा जेड, यहाँ पर आई कैप के कैप के कैप। अब फोर्थ की अगर लेनी है, एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा मोमेंटम होगा उसको भी हम लेंगे पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जी के कैप। अब फोर्स हमारे पास क्या था, एफ इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन का भी ले लेते हैं, ठीक है, कोई चक्कर नहीं यहाँ पे। अब वेक्टर फॉर्म क्या थी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, जो एफ है हमारे पास डी पी ओवर डी टी की इक्वल है, विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसको फिल कर दो, ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, मेरे पास आ गया एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जी के कैप, जो कि इक्वल आ गया डी अपॉन डी टी, पी की जगह पे आ जाएगा एफ डी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जी के कैप, फिर एम इंटू एक्सेलरेशन की जगह पे आ जाए ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, अच्छा ठीक है। अब हमने क्या करने हैं, कंपोनेंट्स निकालने हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं सभी कंपोनेंट्स को, एक्स वाले एक साइड, वाई वाले एक साइड, जेड वाले एक साइड। एक्स वाले की है तो एफ एक्स मेरे पास आ गया डी पी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू एम ए एक्स। एफ वाई वाले एक साइड की है, मेरे पास आ गया एफ वाई इज इक्वल टू डी पी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू एम ए वाई। जेड वाले एक साइड की है, यानी कि सारे के सारे कंपोनेंट्स को क्या, जो हमने अभी लिए थे वो अलग अलग कर लिया। अब ये तीनों इक्वेशंस हमें क्या बता रही है, जैसे सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन कंपोनेंट को एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, वाई डायरेक्शन में क्या है, जेड डायरेक्शन में क्या है। अब ये कंपोनेंट फॉर्म का क्या फायदा होगी, क्या जरूरत है करने की, एक्चुअल में जो कंपोनेंट फॉर्म होती है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, ये हमें बताती है कि जो अप्लाइड फोर्स है क्या वो कोई एंगल बना रही है विद द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अगर बना रही है तो क्या वो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो चेंज हो रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट नॉर्मल है, यानी कि इतना ऐसे अनचेंज है वो, तो ऑब्वियसली फिर वो यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा, है ना। जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल किया था मोशन में प्लेन में, उसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो अनचेंज रहा था, वेलोसिटी वाला इससे तो कोई था ही नहीं, अनचेंज था। यहाँ पर चेंजेस आ रहे थे यू के विद रिस्पेक्ट से, उसके कंपोनेंट्स ले रहे थे एक्स वाई के लिए, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने बहुत सारी हमारी जो क्यूरियोसिटी थी उस समय की इंसान की, जो उसकी बहुत सारी जो चीजें उसको समझ नहीं आ रही थी, उनको सॉर्ट आउट किया था। और इसकी चार इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन करेंगे हम, इम्प्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड
लॉ ऑफ मोशन क्या इम्प्लीकेशन हुई है इनकी, कहाँ पर ये अप्लाई किया गया? देखो जो ये वेक्टर फॉर्म में है इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए f इज इक्वल टू ma, में मेरे पास f 0 हो गया तो मास तो 0 हो नहीं सकता है ना, मास इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन 0 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये बताता है कि अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो मास इस तरह से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन भी आ जाती है। तो इस चीज से उसने क्या किया, उसने कहा अगर f 0 होगा तो हम a को 0 मानेंगे, a 0 ऑब्वियसली है तो ये बॉडी उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाई जाएगी तो वो मूव कैसे करेगा, ना तो उसके अंदर वेलोसिटी है, वेलोसिटी नहीं है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन नहीं है। फिर से हमें ये पता चलता है जो बॉडी है मूव करके हुए दी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। हाँ ये चीज हो सकती है कि या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट हुई या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बी हमारे पास कॉन्स्टेंट है। जब बी कॉन्स्टेंट है तो डीवी ओवर डीटी हमारे पास एक्सेलरेशन आती है। अब जब कांस्टेंट की डेरिवेशन करोगे वो 0 आ जाएगी तो एक्सेलरेशन हमारे पास 0 आएगी। ठीक है, तीसरी चीज जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो स्ट्रिक्टली आपके अप्लाई होता है टू फॉइल पार्टिकल और टू द सिस्टम ऑफ पार्टिकल से भी अप्लाई हो जाता है, एक्सटर्नल सिस्टम वगैरह से। फिर है इसका एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, अगर एफ क्या है स्पेस पॉइंट है सर्टेन इंस्टेंट एट सर्टेन इंफिनिट डोमेन करते हैं एक्सेलरेशन एट द सेम पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट, यानी कि मैं बताती हूँ यहाँ पर हमारे पास क्या फोर्स है, स्पेस पॉइंट है, यहाँ पर हमें फोर्स की वैल्यू पता लग गई, पॉइंट है पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है तो ऑब्वियसली इसका मास हमारे पास नेग्लिजिबल होगा, तो फिर हम क्या एक्सेलरेशन जो है उस समय पे क्या होगी उसको हम डिटरमाइन कर सकते। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लोकल रिलेशन, इस चीज को हम लोकल रिलेशन का नाम देते हैं। लोकल रिलेशन क्या होता है, लोकल रिलेशन का मतलब है लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, लोकेशन ऑफ द पार्टिकल पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैसे वर्क करते हैं। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, पेन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर क्या मैंने स्टोन फेंका, द मोमेंट स्टोन इज रिलीज, ठीक है उस वक्त क्या होगा, वहां पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो फोर्स तो करेगी नीचे की तरफ जा रहे हो तो वर्टिकल करेगी। मान लीजिए रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दिया तो जो वर्टिकल फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो क्या इसको नीचे की तरफ अपनी तरफ खींचेगी। तो ये स्टोन है ये तो कोई मेमोरी है ना, अपने पास लेके जा रहा है कि नहीं ऊपर था कि नीचे से, इसको बस गिरना है। मान लीजिए यही स्टोन की आप चलती ट्रेन से बाहर फेंक रहे हैं, आपने यहाँ से इसको बाहर फेंका, ट्रेन तो आगे बढ़ गई लेकिन ये तो यही रहेगा और इधर तक तो कुछ नहीं हो। ठीक है, तो बस ये चीज क्या बताती है हमें, उस वक्त जितनी फोर्स लगाएगी उस वक्त उसकी क्या एक्सेलरेशन है। अब इसके कुछ क्या कॉन्सिक्वेंसेस भी थे, मान लो जो फोर्स है वो एक्ट कर रही है टू मासेस के ऊपर m1 एंड m2, दो मासेस है तो उनकी डिफरेंट एक्सेलरेशन भी होगी। ठीक है, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि दोनों के ऊपर अगर सेम फोर्स अप्लाई की जाए तो मेरे पास एफ इक्वल टू m1 a1 जो है m2 a2 के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें इसका तो कोई लेन देन नहीं, ये इसके भी इक्वल है इसके भी इक्वल है, तो ये क्या ये आपस में इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो मतलब m1 ओवर m2 हमारे पास क्या आ जाएगा, a2 ओवर a1। अब यहाँ पर इसने उल्टा पुल्टा कर दिया, आगे पीछे हो गई, अब आगे पीछे हो गए तो इसको हमें क्या चीज पता लगी, अगर m2 छोटा है m1 से तो जो एक्सेलरेशन होगी a2 की वो बढ़ जाएगी, यानी कि अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास सेकंड मास ऑब्जेक्ट से सॉरी सेकंड ऑब्जेक्ट का मास फर्स्ट ऑब्जेक्ट के मास से छोटा है तो सेकंड ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन उससे फर्स्ट वाले से ज्यादा होगी, यानी कि उल्टा चलेगा ये। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज पता चली कि आप अगर एफ इजिकल्स टू एम ए पॉसिबल है तो एम क्या है,
क्या आएगा, एफ अपॉन ए, ये चीज भी हमारे पास पॉसिबल है। यहाँ से ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आते हैं मास और एक्सेलरेशन, अगर कोण हमारा, और जो इस तरह का मास होता है जो क्या एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल सामने फोर्स पड़ी है, इस तरह के मास को हम बोलते हैं इनर्शियल मास। क्या बोलते हैं? इनर्शियल मास। ठीक है, अब जो बॉडी एक्सेलरेशन में होती है, मान लीजिए यहाँ पर के बहुत पड़ी थी, कई दिनों से पड़ी है, किसी ने जोर नहीं लगाया, किसी ने कुछ नहीं किया, वो हल्का सा यहाँ से रोल करती हुई क्या है यहाँ पे पहुंच, तो ये कैसे सपोर्ट नहीं मिलाया? नहीं, उसने नहीं मिलाया, एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स किसकी आई? जो विंड नहीं होती, हल्की सी हवा का वो बहाव हुआ और ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गई। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक्सटर्नल फोर्स तो चाहिए ही चाहिए हमें, हमारी एक्सटर्नल फोर्स के बिना तो ये चैप्टर होगा ही नहीं। ठीक है, और ये जो एक्सेलरेटेड मोशन होता है किसी भी बॉडी का, ये हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही होगा। अब एक्सटर्नल फोर्स बहुत तरीके से आ सकते हैं, मान लीजिए स्पीड में चेंज आ गया, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर तो डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। अब जैसे ये इस डायरेक्शन में गई, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई करते तो इस डायरेक्शन में जाती, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते तो बॉडी चल जाती, और इस चीज की स्पीड का भी फर्क पड़ता, ज्यादा तेज हवा लगती तो बहुत दूर तक तेजी से जाती, कम तेज लगती तो थोड़ा तेज लगती। ठीक है, फिर है अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दिए, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हो, स्कूटी चला रहे हो, आपने टर्न करना था, तो टर्न करते हुए हम स्कूटी की स्पीड ज्यादा रखते हैं कि कम रखते हैं? ऑब्वियसली कम रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड, टर्न करना था डायरेक्शन लाने की, तो यहाँ पर हमने टर्न करने के लिए 15 मीटर पर सेकेंड कर दी ताकि हमारा कोई एक्सीडेंट ना हो, स्कूटी हमारे कंट्रोल में रहे। ठीक है, तो फिर जो हम इस तरह से करते हैं तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों की एग्जाम्पल आ जाती है। ठीक फिर हमारे पास बात आती है अननोन फोर्स की, मेजरमेंट ऑफ अननोन फोर्स, ये कैसे करते हो ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक स्प्रिंग है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है मास m, इसके साथ एक स्प्रिंग को यहाँ पर अटैच किया गया है। ठीक है, और अटैच करके इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है। एक्चुअल में ये तो फोर्स लगाने के बाद है, स्प्रिंग का ही शेप तो ऐसे थी, यहीं तक था, तो यहाँ तक तो थी स्प्रिंग की लेंथ। जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगाएगी स्प्रिंग एक्सपैंड हो गया, वो एक्सपैंड कितना हुआ, इतना डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग आ गया। अब ये स्प्रिंग जो पड़ा था, ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा था, ये सारा कुछ कौन से सरफेस के ऊपर पड़ा था? फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस सरफेस के ऊपर पड़ा ये। तो अब इस केस में हमारे पास क्या होगा? अब देखिए, फोर्स अप्लाई की गई है तभी चेंज इन लेंथ आई है, जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, मान लो मैंने और ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दी, ये ऐसे 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 कटा चला जाएगा, ऑब्वियसली स्प्रिंग के और ज्यादा फूलने शुरू हो जाएंगे, तो ये सारा हमारे पास चेंज इन लेंथ हो जाएगा। दैट मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। अब मान लीजिए जो मास है ब्लॉक का, ये जिसके साथ ये स्प्रिंग अटैच है, वो है हमारे पास 1 किलोग्राम। ठीक है, और जैसे स्प्रिंग को हमने मूव किया, इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जो अप्लाइड फोर्स होगी वो कितनी होगी? 1 न्यूटन की, ऑब्वियस है। तो जो एक्सटेंशन हुई है, एक्सटेंशन यानी कि चेंज इन जो लेंथ आया हमारे पास, एक्सटेंशन आई है जो हमारे पास। ठीक है, मान लीजिए
जो टेंशन आई है वो डेल्टा एज नॉट आई है, ये अज्यूम्ड एक्सटेंशन है। तो फोर्स यानी कि 1 न्यूटन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डेल्टा n नॉट। अब हमें पता है कि फोर्स जो है हमारे पास 1 न्यूटन है, वो एक तो हमने यहाँ पर कह दिया कि इसके इक्वल है डेल्टा एल, एक हमने कह दिया इसके इक्वल है, दोनों को हमने एक्चुअल में क्या डिवाइड कर लिया, ये नंबर 1 ये नंबर 2, डिवाइड नंबर 1 बाय या नंबर 2 बाय नंबर 1। तो यहाँ पर 1 न्यूटन तो ऑब्वियसली तो कुछ नहीं रहा, तो हमारे पास एफ के आगे डेल्टा एल होगा, डेल्टा एल नोट इनटू यहाँ पर न्यूटन में हमारे पास यूनिट आ गई, यानी कि जो अज्यूम्ड लेंथ एक तो हो गया थ्योरेटिकल, एक्चुअल में तो उसका क्या है, स्प्रिंग वाले में पहले हम अंदाजा लगाते हैं, थ्योरेटिकल करते कि कितना चेंज आएगा, तो हमने ये रख लिया। जो एक्चुअल ऑब्जर्व्ड चेंज होता है लेंथ का वो हमारा ये आ गया, इन दोनों में हमेशा थोड़ा बहुत फर्क रहता है। ठीक है, अगर सेम चीजें होती तो यहाँ पर ये डिवीजन में नहीं होते, एक ही हर चीज अज्यूम करके चलते, लेकिन जो थ्योरेटिकल ये सपोजिशन और प्रैक्टिकल में फर्क होता है, और जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है यूजुअली ज्यादा होती है जो हमारी सपोजिशन होती है, इसलिए इस तरह से डिवीजन में हम ये करके इसकी फोर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसके रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल्स है,